हेलो गाइस, मैं आपके सामने एक और बहुत बेहतरीन नई वीडियो लेकर आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग मनी, पैसे बनाने का तरीका, पैसे कैसे बढ़ाएं अपनी लाइफ के अंदर। पहली बात, अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी अगर हमने स्टार्टअप किया तो 1 साल 6 महीने के अंदर हम बहुत अच्छा ग्रोथ अप कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो उसके अंदर पहले बात आप ध्यान देना कि उसके अंदर पहले 5 साल आपको देना जरूरी है, 5 साल चाहिए ही चाहिए। अब मैं दिखाता हूं आपको कैसे कैसे। फर्स्ट ईयर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करो तो पहला साल आपको क्या करना है, लर्निंग स्किल, मतलब चीजों को सीखना है, लर्न करना है। जितना 1 साल बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस के साथ अच्छे तरीके से क्या करना है, सीखना है। जितना आप सीख सको, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से डीपली जानो। उसके बाद 1 साल निकल, सेकंड ईयर में क्या करना है, अप्लाई करना है। जो आपने सीखा है उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। उस पे मैंने ये सीखा, अप्लाई कर रहा हूं, क्या सही हो रहा है, नहीं सही हो रहा है। उसके बाद तो तीसरा वर्ष में आपको क्या करना है, शेयर इट, मतलब शेयर करना है लोगों को, क्या करना है, शेयर करना है। जी आपको पता होगा कि जितना हम सीखते हैं और सीखने के बाद जितना हम किसी को बताएं, सिखाएं, उससे मेरा स्किल क्या आता है, बढ़ता है। और जितना हम किसी और को बताएंगे, किसी और को सिखाएंगे, उसके थ्रू हमें पैसा आ सकता है। यार सिंपल चीज है, वहां से हम जितना स्किल को बढ़ाएंगे, जितना हम शेयर इट करते हैं, जितना हम सिखाते हैं, उतना हमें स्किल बढ़ता है। और जितना लोग सीखेंगे आपसे, उतना ही आप बड़े लेवल पे जा रहे हैं। उसके बाद जो चौथा साल में क्या करना है, तीसरा साल में सिखाना, चौथा साल में करना है मेंटेन करना, मेंटेन। अगर आप पहले लर्निंग, उसके बाद अप्लाई, उसके बाद शेयर किया, उसका धीरे धीरे पैसा आना स्टार्ट हुआ, तो पहले बात जब पैसा आ रहा है, चीजें आ रही है, आपका नेम फेम ऊपर, उसको मेंटेन कैसे रखना है, नेम फेम को, पैसे को, हर चीज को मेंटेन कैसे रखना है। उसके बाद जो आता है पांचवा ईयर्स में जो होता है ग्रोथ, आपका क्या होता है, ग्रोथ इट। आप 5 साल बाद आप एक ग्रोथ लेवल पे जाना स्टार्टअप करो। सिर्फ ये 5 साल अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 5 साल देना है ही देना है। कभी ये चीज ध्यान में ना रखें कि नहीं हम 2 साल 6 महीने 1 साल 1.5 साल में बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा इंसान बन सकता हूं। नहीं, आपको मिनिमम टाइम एक बिजनेस के अंदर 5 साल दोगे तो भी आप एक अच्छे ग्रोथ पे जा सकते।